once again welcome here. So today we have to discuss another video of daily 5-minute chemistry, that is quantum number. So इस वीडियो के अंदर हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर कितने टाइप्स का होता है और क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उनकी क्या ट्रिक्स है या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि अगर आपको समझ में आ गए तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा क्वांटम नंबर समझा दूंगी तो आपके क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं आपके क्वांटम नंबर में से आप बहुत ईजिली उन्हें सॉल्व कर लोगे। तो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर है हमारे ये 4 टाइप्स का होता है ये डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वांटम नंबर से हमारे को क्या पता चलता है। तो क्वांटम नंबर से हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे को क्या पता चलता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट, यहाँ पे इसे नोट कर लेना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे को क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। कैसी इन्फॉर्मेशन, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, या फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को किससे पता चल जाती हैं, क्वांटम नंबर से पता चल जाती हैं। अब कौन से वाले क्वांटम नंबर से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है, तो उसके लिए ये 4 क्वांटम नंबर है जिससे हमारे को इलेक्ट्रॉन की अलग अलग इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं, ठीक है। तो अब पहले इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एजीमिथुन क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, एंड स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक के अंदर आप इसे इस तरीके से भी देखोगे, एम और नीचे एस 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 लगा होगा, ठीक है। तो ये दोनों नोटेशन हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके हमें क्या पता चलता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है ये हमें किससे पता चलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब शेल क्या है, के एल एम एन सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये जो है के एल एम एन ये क्या होती हैं, शेल होती हैं इलेक्ट्रॉन की, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब एजीमिथुन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, सब शेल के बारे में। सब शेल क्या होती हैं, एस पी डी एफ जी एच, इस तरीके से सो ऑन। तो ये हमारी क्या है, सब शेल है। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमारे को क्या पता चलता है कि कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकती हैं किसी भी सब शेल के अंदर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, ठीक है। इसके अलावा हमारे को और क्या पता चलता है, इसे नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ये तो पता चलता है कि कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, इसके अलावा हमारी जो ऑर्बिटल है उनकी ओरिएंटेशन क्या है, ऑर्बिटल किस तरीके से रिवॉल्व कर रही हैं, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, ये भी हमें किससे पता चलता है, हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है इससे हमें क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं एन की, एल की, एम की, एस की, है ना, इनमें से कोई भी वैल्यू गिवन है और आपसे कुछ और वैल्यूज़ वो निकलवाएगा, तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डीलअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आप इसे समझ सको। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारी n की वैल्यू है इसे ध्यान रखना, ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होगी। ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है और कभी भी ये जीरो नहीं होगी, वन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है। तो k की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 है तो k शेल होगी, 2 है तो l, 3 है तो m एंड 4 है तो n, इस तरीके से। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर इसी तरीके से सब शेल की बात करें, सब शेल की जो हमारी वैल्यू है वो या कैसे आपको लर्न करनी है कि जो सब शेल है यानी कि एजीमिथुन क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 2 n-1, ठीक है, 0, 2 n-1। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे को गिवन है, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो उससे समझ में आ जाएगा, पहले इसकी वैल्यूज रेंज कहाँ से किस तरीके से होती है वो समझ लो। तो ये कहाँ से हो सकती है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है और हमेशा n माइनस 1 होगी। तो अब यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको दे रखी है। तो हमारी सबशेल कौन सी होगी, अगर 0 लिखा हुआ है यानी कि ऐसे लिखा हुआ है l = 0, तो सबशेल आप कौन सी लिखोगे, वहाँ पर कौन सी सबशेल है, एस सबशेल, पी डी एफ जी एच, इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको ये नोट करना है कि अगर आपको ये 1, 2, 3, 4 गिवन है तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा, ये हमारे को इससे पता चल जाएगा। और अगर हमारे को एल की वैल्यूज गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कोई सी भी, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है ये हमें इससे पता चल जाएगा। इतना क्लियर है। अब
हमारे को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू निकालनी है और अगर हमारे को एल की वैल्यू यानी कि एसीमिथुल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है तो कैसे निकालेंगे। हमेशा जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है, माइनस एल टू प्लस एल, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू जो है बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लोगे, या फिर हम बोल सकते हैं टू एल प्लस वन। आपसे पूछ लें, क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको L की वैल्यू गिवन है और पूछ लें कि कितनी M की वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे जो भी L की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, L की वैल्यू आपको दो दे रखी है, ठीक है, तो आपसे पूछ लें कि M की वैल्यूज कितनी पॉसिबल हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, आपको बस कुछ नहीं करना, टू इंटू यहाँ पे L की वैल्यू जो भी दे रखी है वो आपको लिख देना है यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना हो गया, टू इंटू टू फोर एंड वन फाइव। तो यहाँ पे अगर L की वैल्यू 2 है तो M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे आपको इस कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो मैं ये रब कर देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है, हमारे को एन की वैल्यू गिवन है 3, हमारे को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल और एम फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ईजी है। देखो एम की वैल्यू आपने रख दी 3, अब पॉसिबल वैल्यूज एल की कौन कौन सी हैं, 0 1 एंड 2। कैसे पता चलिए, वही वाले फॉर्मूले से कि n l की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 टू l n माइनस 1, है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3 माइनस 1 हमने कर दिया 2, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक हो सकती है, तो हमने लिख दिया 0 1 2। आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा कि जो l की वैल्यू है कभी भी n की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी और कभी उससे ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा एक कम रहेगी, 0 टू n माइनस 1, इससे हम l की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या निकालना है कि m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज करो, 2l प्लस 1, है ना, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी 0 l की, ये l की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0। अब यहाँ पे पुट करो 2l प्लस 1 वाले फॉर्मूले के अंदर, 1 पुट कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3, और 2 पुट कर दोगे इसी फॉर्मूले के अंदर तो कितना निकल के आ जाएगा, 5। अब ये तो समझ में आ गया होगा कैसे निकल के आ रहा है, अब यहाँ पे तो ये 0 है तो इसे हम ऐसे रहने देंगे। अब आपसे पूछ ले कि इन 3 में से भी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था माइनस एल टू प्लस एल, है ना, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, माइनस एल टू प्लस एल कर देना है, तो 3 कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, माइनस एल से स्टार्ट करो, एल की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 1 0 एंड प्लस 1। अब यहाँ पे इसी तरीके से फिर से यही वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, माइनस एल टू प्लस एल, यहाँ पे इस टाइम एल की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक आपको बहुत ईजिली अब ये समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे हमें इन वैल्यूज से क्या पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं इन ए सब शेल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे माइनस 1 0 एंड प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, px py एंड pz, और यहाँ पे ये माइनस 2 से लेकर के हम प्लस 2 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होंगी, dxy dyz dxz dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये हमें क्या पता चल गया कि ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं इन ए सब शेल। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वांटम नंबर क्या है, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है वो जरूर आपको कमेंट करके बताना है, उसी के बेस पे फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि डेली 5 मिनट केमिस्ट्री को। तो आप मुझे बता देना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं या फिर नहीं, एंड अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।